जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं अर्हंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी को स्वरूप जान लागते भई जो भक्ति काय को नाए धन्य धन्य तुम एक काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आप लोगों ने नाम सुना होगा, पंडित टोडरमल जी ने लगभग 300 वर्ष पहले जो हुए उनके कुछ साधर्मियों ने प्रश्न पूछे थे, उसके उत्तर में उन्होंने एक पत्र लिखा था जो सौभाग्य से लोगों को मिल गया और उसे इसी ग्रंथ के साथ में ही प्रकाशित किया गया। पत्र पढ़ने से ऐसा लगता है कि जो प्रश्न किए थे वो स्वानुभव में आत्मा प्रत्यक्ष वेदन में आता है या परोक्ष वेदन में आता है, या सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है। हो सकता है किसी को ये विकल्प होवे कि निश्चय सम्यक तो प्रत्यक्ष है, व्यवहार सम्यक परोक्ष है, या चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में परोक्ष है, सातवें में प्रत्यक्ष है। ऐसी नाना प्रकार की कल्पनाएं होती होंगी जिनका बहुत स्पष्ट और आगमाधार से समाधान इस चिट्ठी में किया है। बच्चों के लिए इसमें एक बात जो कल चली गई थी मैं 2 मिनट दोहरा देता हूं, आप तो कल और परसों भी बैठेंगे ना, है? और दोपहर में जो क्रिया परिणाम अभिप्राय विषय चलने वाला है वो तो 8वीं से 12वीं तक सभी बच्चों के योग्य है, वो इतना सरल है और है बहुत जरूरी अपने जीवन में समझने लायक, इसलिए अगर सभी बच्चे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, सम्यक दर्शन यानी आत्मा में अपनापन। जैसे हमारे घर में हमारा अपनापन रहता है, अब आप लोग यहां 5 साल रहेंगे तो कहने को तो कोई पूछेगा कहां रहते हो, तो मंगलायतन में रहते, वहां पढ़ते। ओहो, कहां के? तो जो जहां जिस गांव का है, जहां का जिसका जन्म है वो ही बताएगा। यानी 5 साल दूसरे जगह रह के यहां का अन्न खाते हो, यहां का नियम पालते हो, यहां की हवा में सांस लेते हो, तो भी ये तो केवल विद्यालय के रूप में आप अपना कहते हो, असल में अपनापन तो आपका उस घर में ही है जो जिसे आप अपना मानते हो। छुट्टियां हो जाती तो कहां जाते? घर जाते। क्या बोलते हैं? घर जाते, मतलब उसे हम अपना घर मानते। और जब घर से यहां आते हो तो कोई बोलता है कि घर जा रहे हैं? फिर तो यही बोलते हैं कि विद्यालय में जा रहे, हॉस्टल में जा रहे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सम्यक दर्शन होने पर ज्ञानी का जीवन भी ऐसे ही हो जाता है। उसको पूजा है, भक्ति है, ये स्वभाव भी आते हैं, और शादी ब्याह के, धंधे व्यापार के। अगर सम्यक दृष्टि राजा हो गए तो दूसरा राजा चढ़ाई करेगा तो युद्ध करने के, चक्रवर्ती होगा तो 6 खंड को जीतने के। इन सबको इसमें शुभाशुभ भाव कहा है। ये सब होते हुए भी उसमें उसकी एकत्व बुद्धि नहीं होती, अपनापन नहीं होता। इसे टोडरमल जी ने एक मुनीम के उदाहरण से समझाया है कि सविकल्प दशा
यानी शुभ या अशुभ राग होवे तो भी ज्ञानी अपने चैतन्य स्वभाव को ही अपना मानते हैं, राग को अपना नहीं मानते। संयोग को अपना मानने की तो बात बहुत ही दूर रह गई। जैसे कोई ईमानदार कंपनी का मैनेजर होवे, जैसे टोडरमल जी ने गुमास्ता या मुनीम शब्द बोला है, वो ईमानदार होगा, लाखों करोड़ों का लेन देन करेगा, व्यापार करेगा, उधार देगा, उधार वसूल करेगा, माल खरीदेगा, माल बेचेगा, और अगर मुनाफा होवे तो खुशी भी होगी और घाटा होवे तो उसको दुख भी होगा। तो भी जो भी मुनाफा और घाटा है वो उसे अपना मानता है कि सेठ जी का मानता है? किसका मानना चाहिए? ज्ञान समझदार आदमी, ईमानदार आदमी क्या मानेगा? भाषा ऐसी बोलेगा, इस साल हमारी कंपनी ने 10 करोड़ रुपया कमाए, लेकिन वो 10 करोड़ रुपया मेरे हैं ऐसा तो कोई नहीं मानता। यही अंतर परिणति ज्ञानी की होती है और यहीं से धर्म का प्रारंभ होता है। इस भेद विज्ञान परिणति को ही धर्म कहते हैं। तो अब विषय थोड़ा सूक्ष्मता की ओर बढ़ेगा कि जब ये स्वासव राग होते हैं, लेकिन उसने स्वाद तो आत्मा का चखा है, तो वो दोबारा मैं ये राग से हटके अपने चैतन्य स्वरूप का आनंद ही भोगूं। गुरुदेव ने प्रवचन में भी आनंद आनंद आनंद, जिनकी इच्छा निवृत्त हो गई है वे परम सुखी होते हैं, ये वाक्य आया था। और भी बहुत सी बातें आई थी, उनको मैं नहीं छेड़ना चाहता। अभी पेज नंबर 342 पर सबसे नीचे एक प्रकरण उन्होंने प्रारंभ किया है, सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। तो सविकल्प माने क्या? ये जो उपयोग अपना पूजा में जा रहा है तो भगवान की तरफ देखने का, उनके स्वरूप का विचार करने का, पूजा बोलने का, ये सब विकल्प कहलाता है। राग द्वेष को भी विकल्प कहते हैं, भेद को भी विकल्प कहते हैं, और मन के निमित्त से जो विचार तरंगें उठती हैं ना, उसको भी विकल्प कहते हैं। ये बहुत तेजी से इनकी फिल्म चलती रहती है, जब अपने पकड़ में नहीं आते। अगर आपको नींद नहीं आ रही हो रात में और करवटें बदल रहे हो, घंटा भर निकल गया और नींद नहीं आ रही, कोई आपके पार्टनर पूछे, अच्छा बताओ क्या सोच रहे थे, क्या विकल्प चल रहे थे, तो बता सकते हैं? मुश्किल से एक आध को कह देंगे, अगर ध्यान में रहेगा, स्थूल परीक्षा की चिंता है, ये है वो है इत्यादि, सैकड़ों विकल्प चलते। तो ये सविकल्प दशा के द्वारा, यानी इसके बाद में पुनः निर्विकल्प दशा होने की क्या प्रोसीजर है? एक बार आत्मानुभूति हो गई, चैतन्य में अपनापन हो गया, स्पष्ट भाषित होने लगा कि ये देह मैं नहीं हूं और संयोग मेरे नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, तो हमेशा परमानेंट थोड़ी उसमें लीन रहता आत्मा में, सर्वथा आत्मा में हमेशा के लिए लीन कौन होते है? जिसने बोले जोर से तो बोले कम से कम, है शाबाश। अनंत और सिद्ध परमात्मा, अब उनका उपयोग बाहर नहीं जाता, वो तो डूबा स्वरूप में डूबा तो परमानेंट डूबा रहता है, क्योंकि अब उन्हें राग द्वेष नहीं है तो उपयोग बाहर भी नहीं जाता लेकिन मुनियों का भी बारंबार अंदर बाहर अंदर बाहर जिसके लिए झूले की उपमा दी है ना, छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, झूला को उपमा क्यों देते? एक बार इस साइड, फिर दूसरी साइड, फिर इस साइड, फिर दूसरी साइड, यानी वो एक तरफ जो है, अगर झूला झूलने वाली मुद्रा में होगा, खड़ा रहे तो झूला काय का, वो तो खड़ा ही हुआ है, लेकिन झूला झूलता हुए तो इधर से उधर इधर से उधर, ऐसे मुनियों का उपयोग भी वो भक्ति पढ़ी आपने, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, तो आत्मा में भी जाता है, फिर जरा से एक सेकंड में ही बाहर आ जाता है, तो फिर शास्त्र लिखने में इसमें इसमें लग जाता है।
तो सविकल्प दशा और निर्विकल्प दशा। तो सविकल्प माने जब अपना ज्ञान का व्यापार बाहर की तरफ होवे, भले भगवान की भक्ति में होवे, मुनिराज गमन करते हैं तो चलने में देखते हैं कि कोई जीव तो नहीं मर गया, ये सविकल्प दशा कहलाती। बहिर्मुख उपयोग में सविकल्प दशा है और जब अंदर में डूब गया तो ये शरीर भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा विकल्प नहीं होता। लेकिन आत्मा के आनंद का बिना विकल्प के स्वाद आता है। इसको आप इस उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं, समझ सकते हैं सविकल्प और निर्विकल्प को, कि बहुत तेज भूख लगी है और आप भोजनालय में चले गए और वहां सामने वाले ने परोसगारी करना प्रारंभ कर दिया है, आप प्लेट लेकर के लेन में लग के लेने लगे, तो जब तक भोजन मुख में नहीं गया तब तक उस संबंधी जो विचार आने लगते, यहां तक कि आयुर्वेद के हिसाब से मुंह में लार बनने लगती, कहते हैं मुंह में पानी आ गया, इमली नाम सुनो तो सोचो इमली के बारे में तो पानी आ जाएगा है? तो वो सविकल्प दशा है। क्या बना है, दाल बाटी बनी है, फलानी चीज बनी है, हलवा बना है, खीर बनी है, तो वो देख के आपको उस संबंधी विचार तरंगे उठने लगती। लेकिन जब आप भोजन करने लगते हैं और वो खीर एक चम्मच मुख में डाली तो फिर विचार विकल्प नहीं रहते, फिर क्या होता है, फिर तो केवल खीर के स्वाद का ही रसास्वादन होता है। इस उदाहरण से सविकल्प और निर्विकल्प दशा को समझ लेना चाहिए। टोडरमल जी ने क्या लिखा है वो अपन देखें। वही सम्यक्त्वी, ये चर्चा कल हो चुकी थी, वही सम्यक्त्वी कौन, जिसका उपयोग बाहर था, सुबह सुबह भाव में था, दुकान में बैठा था, समझ में इत्यादि इत्यादि। कदाचित स्वरूप का ध्यान करने के लिए उद्यमी होता है। कल भाई साहब ने पूछा था यहां उद्यमी का क्या अर्थ है, है? प्रयास। और प्रयास व्यवहार से कहो तो मन के निमित्त से होता है, होता तो ज्ञान में है, ज्ञान करता है। स्वरूप का ध्यान होने के लिए प्रयत्न कौन करता है, ज्ञान करता है। देखो ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर, किसी वस्तु को जानना वो ज्ञान है और निरंतर कंटिन्यू जानते रहना उसी को तो वो क्या होगा, ध्यान हो जाएगा। एकाग्र चिंता निरोध हो, एक कोई मुख करे, हाँ एक का अर्थ आत्मा है, तो स्वरूप का ध्यान करने के लिए प्रयत्न करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो बाहर में उपयोग जाता है ना तो उससे जो राग द्वेष होते हैं तो वो राग द्वेष उसे दुख रूप लगते हैं, उसे राग में आनंद नहीं आता। और चैतन्य का आनंद उसे पता है कि बिना राग के जो एक निर्विकल्प अनुभूति होती है, सही सुख तो सच्चा सुख तो वो ही है आत्मा का अतिनय आनंद। तो क्या करता है, प्रथम स्व पर का भेद विज्ञान करता है। तो भेद विज्ञान यद्यपि उसके परिणति में तो उसकी धारा चल रही है, लेकिन देखो जिसकी जैसी रुचि होती है उसको विचार भी वैसे आते। जैसे क्रिकेट की रुचि है वो क्रिकेट के बारे में सोचता है, जैसे फुटबॉल की रुचि है या और चीजों की रुचि है वो उसके बारे में सोचता है। तो इसको आत्मा की रुचि है तो बारंबार ऐसा विचार आता है, अरे ये शरीर ये तो माटी है, पुद्गल का पिंड है, मैं तो जानने वाला ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। तो ये विचारों में भेद विज्ञान करता है, माने भेद विज्ञान संबंधी विचार करता है। ध्यान देना सचिन, भेद विज्ञान करता है तो भेद विज्ञान जो अंदर में चालू है वो तो है ही है, लेकिन भेद विज्ञान संबंधी विचार भी करता है। क्योंकि विषय कषाय के विचारों में तो तीव्र भट्टी तीव्र अग्नि जैसी जलती, तो कम से कम स्वरूप में लीन नहीं रह सकता तो स्वरूप का विचार ही करे ऐसा है। अब वो सहज होता है लेकिन करता है, ऐसी भाषा भी बोली जाती। तो कैसा करता है स्वपर का भेद विज्ञान,
नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित, इन तीनों का अर्थ जानते हैं आप? नो कर्म माने जो शरीर और अन्य पदार्थ, इनको क्या बोलते हैं? ये नाइन वाला नो नहीं है, ये नो कर्म, नो माने पावरलेस, कम पावर वाला, ईशत थोड़ा। और द्रव्य कर्म तो वो ज्ञानावरण दर्शनावरण, और भाव कर्म होशियार बात, बच्चे होशियार हैं यहां। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जानता है। ये विचारों में भी, ये तो क्योंकि ये सम्यक दृष्टि की बात है, इसलिए अपन ऐसा अर्थ ले रहे हैं कि अंदर परिणति तो है ही, लेकिन दोबारा लीन होने के लिए पुनः मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो व्यायक हूं, मैं तो रंग राग और भेद से भिन्न भी में भिन्न निराला हूं, तो ये सब पर हैं और मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा विचार करता है। फिर बाद में आगे और बढ़ता है तो क्या होता है? पर का भी विचार छूट जाता है, फिर एक चैतन्य का ही विचार चलता है। सुनो, ऐसा है कि जैसे आप मान लो रिक्शे से अपने स्टेशन से उतरे और रिक्शा करके अपने घर की ओर जा रहे, तो उस समय किसका विचार, रिक्शे वाले को क्या बताते? यहां से लेफ्ट टर्न ले लो, यहां से राइट ले लो, यहां से आगे बढ़ जाओ, तो अपने ही घर के बारे में विचार चलता है ना, फिर ये घर मेरा नहीं है, इस गली में मेरा घर नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा विचार भी आता है कि? किसी को बताओ तो भले आवे, लेकिन जब आप अपने घर की ओर जाते हो तो अपने घर का ही विचार, यहां से आप जाएंगे अपने कमरे में तो अपने कमरे के बारे में विचार आएगा, अगर आएगा तो ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ऐसा विचार बार बार नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे जब आत्मा के अनुभव के लिए कोई जीव प्रयत्न करता है तो शरीर जड़ है तो ये तो शरीर का विचार हुआ, राग आदि दुख रूप है तो ये तो आश्रम का विचार हुआ, अरे मोक्ष में परम सुख है तो ये किसका विचार हुआ? मोक्ष का, आत्मा का नहीं। समझ में आया ना? तो आत्मा का कैसा होगा? आत्मा तो अनंत गुणों, गुरुदेव बार बार बोले अनंत गुणों का गोदाम, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, चैतन्य मात्र वस्तु है, चिद घन, जैसे हिमालय बर्फ का पिंड मात्र है, वैसे आत्मा चेतना का घन पिंड मात्र है। ऐसा अनुभव भी करता है और अनुभव के लिए ऐसा ही विचार होता है। देखो, केवल स्वात्म विचार ही रहता है, अभी अनुभव नहीं हुआ, अभी आत्मा का विचार चल रहा है। एक उदाहरण बहुत बढ़िया आता है कि जैसे कोई व्यक्ति जंगल में भटक गया, बहुत तेज प्यास लगी है और अचानक कहीं से ठंडी हवा आई, तो उसको ऐसा लगा कि यार आसपास कहीं कोई नदी या तालाब होना चाहिए, तो जिस दिशा में से वो हवा आ रही थी उसी दिशा की ओर चला, तो सामने तालाब दिख गया तो कैसा लगेगा? प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। फिर जैसा गर्मी में तड़प रहा था वैसे ही तड़पेगा कि कुछ फर्क पड़ेगा? ये सोचने की बात है, ये साइकोलॉजी। अभी पानी पिया नहीं लेकिन पानी मिल गया है, ऐसा भरोसा होने से अब उसे समझ लो प्यास में थोड़ी कमी आने लगेगी और थोड़ी उसके दुख में कमी आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी और वो तेजी से पानी पीने की ओर दौड़ेगा। तो तालाब को देख करके अब मैं जल्दी से पानी पीऊं और प्यास बुझाऊं, ऐसा विचार आने लगता है। उसी तरह से मैं चैतन्य हूं, ऐसा विचार उसको प्रारंभिक भूमिका में आता है। वहां अनेक प्रकार से निज स्वरूप में अहम बुद्धि धारण करता है। अहम बुद्धि समझते? अपनापन। अभी अपनी अहम बुद्धि, अहम माने मैं होता है, अभी अपनी अपना अहम बुद्धि काय में है,
है, हम पूछें क्या नाम है तो कोई अपना नाम बताएगा, वो तो शरीर का नाम है के और तन उपजत अपनी उपज जान तन न सत आपको, ये है देह में अहम बुद्धि। इसलिए ये जो जन्मदिन वगैरह की कल्चर डेवलप हुई ना, ये कोई आत्मार्थियों के लायक नहीं है। योग सार में तो लिखा है जन्म लेना तो शर्म की बात है, वो गौरव की बात नहीं है। खैर वो विषय दूसरा है, ये हमारी देह में अहम बुद्धि है। और ज्ञानी क्या करते हैं, अनेक प्रकार से, यानी चैतन्य का विचार करें, ज्ञायक का विचार करें, ज्ञान स्वभाव का, ज्ञान पर्याय का, ज्ञान परिणमन का, भेद ज्ञान का, अनेक प्रकार से निज में अहम बुद्धि धारण करता है। तो अहम बुद्धि, वो अहम बुद्धि संबंधी विचार करने की दशा है यहां पे, ये ध्यान देना। चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, वो कहते ना सिद्धो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निर्विकल्पो हम, ऐसा सूत्र बोलते बहुत। तो ऐसा विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है। इसको समझने की कोशिश करो जरा, है वो नकली आनंद पैदा नहीं करना पड़ता है कि हम रोम खड़े हो जाएं, ऐसा सोचें कि रोमांच हो जाए। वो नकली, देखो अगर आप यहां से जा रहे हो और एकदम से बंदर आपकी ओर आता हुआ दिखाई देवे तो कौन सी तरंग उठेगी, है भय तरंग, तो भी रोम खड़ा हो जाएगा भय के कारण, क्योंकि आ तो रहा है तेजी से मगर ये दूसरी डाल पे चढ़ने या किसी अपने दूसरे बंदर के पास जाने के लिए आ रहा है कि हमें देख के आ रहा है, यहां बड़ा खतरा है। तो वो जो भय है वो पैदा करना पड़ेगा कि अपने आप हो जाएगा ऐसा तो जो स्वरूप के विचार में निर्विकल्प आनंद की बात नहीं है, लेकिन सोचने में ही आनंद होता है, स्वरूप के बारे में विचार करने पर ही आनंद होता है, वो अतिंद्रिय आनंद जुदी चीज है, ये मानसिक आनंद ऐसा लोक में भी होता है। जैसे आपको चार दिन बाद छुट्टी दी जाएगी, ये निर्णय हो गया, कब से छुट्टी होने, 10 तारीख से अभी होने वाली ना, परीक्षा के बाद छुट्टी होगी ना, है 10 दिन की होगी, 6 तारीख को होगी, कब होगी 6 तारीख को, तो सोच सोच के आनंद आता कि नहीं आता है? तो बस 6 तारीख तक की बात है, आज कितनी तारीख हो गई, आज 21 तारीख हो गई है, बस 10-15 दिन और पढ़ाई वढ़ाई कर लें, फिर तो घर ही जाना है, फिर तो घर ही जाना है, फिर तो घर ही जाना है। तो अभी घर जाने पे जो आनंद आएगा वो तो जब घर जाओगे तब आएगा, लेकिन घर जाने के बारे में सोचने में भी आपको खाते समय, खेलते समय, मंदिर में पढ़ते समय, जब जब घर का विचार चलेगा तब तक घर जैसा आनंद, घर जैसा आनंद आने लगेगा। ऐसे ये निज घर है ना, आज पढ़ रहे थे ना, निज घर बिना विश्राम नाही, शांति पाठ में पढ़ रहे थे ना। तो सहज आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है, बाद में ऐसा विचार तो छूट जाता है, ये विकल्प पूरा हो गया। देखो इसमें लिखा जरूर है सविकल्पता के द्वारा, लेकिन ये द्वारा माने कोई विकल्प से निर्विकल्प हुआ, वो साधन वाला निर्विकल्प नहीं है, वो छूटने वाला। हम दिल्ली से आए और टैक्सी से आए, से तो दोनों जगह लगा, एक ही अर्थ है दोनों का। संस्कृत पढ़ते होगे ना थोड़ी थोड़ी, हैं अंग्रेजी में भी फर्क होगा, हैं दिल्ली से आए माने पहले दिल्ली में थे, फिर दिल्ली को छोड़ा और अब यहां मंगलायतन आ गए। तो ये से काय के लिए है, छूटने वाला, जैसे पंचमी विभक्ति कहते। और काय से आए, टैक्सी से आए, वो साधन वाला। पेड़ से पत्ता गिरा और मैंने आंखों से देखा, से तो दोनों जगह है ना, ये से में फर्क है ना। पेड़ से गिरा माने पेड़ से छूटा, और आंखों से देखा माने आंखों की सहायता से देखा। एक से है
करण साधन तृतीया विभक्ति और एक है पंचमी विभक्ति। ये सब जन आनंद तरंग उठती है, रोमांच आता है, तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाता है। फिर विचार खत्म हो गया, विचार माने विकल्प, यहां ज्ञान बंद नहीं हो जाता, विकल्प छूट गया, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगता है। इसे आप लौकिक विषय भोगों में भी, खाने पीने में या अपने घर जाने में, इन दोनों उदाहरणों में इसको अच्छी तरह लागू कर सकते हैं। घर जाने में ही देखो, अब जो हम भी जब जयपुर से जबलपुर जाते थे तो ऐसे ही दशा होती थी, है स्टेशन आने के पहले ही क्यों सुधीर एक विचित्र अनुभूति होने लगी। अब स्टेशन आने के बाद, उस समय तो आजकल तो गाड़ी वाड़ी लेने आ जाती है और अब उतना उतने रोमांच होने की जरूरत भी नहीं रहती है, लेकिन पहले मैं सच कहता हूं, हम जयपुर से आगरा आते थे, आगरा से बीना जाते थे, फिर बीना से जबलपुर, दो जगह गाड़ी बदलते थे। यद्यपि कोटा वाला जो है बहुत सस्ता पड़ता था, ये 10 घंटे ज्यादा लगते थे, तो बीना स्टेशन पर जो कुली और जो ठेले वाले जो वो जो शुद्ध बुंदेलखंडी में बात करते थे, वो सुन के ही ऐसा आनंद आता था जैसे भव्य जीव को दिव्य ध्वनि सुनने पर आनंद आता ऐसा लगता था अपने घर आ गए। और जब तक घर नहीं आता था तब तक घर जाने का रोमांच बना रहता, और घर आ गए तो वो विचार खत्म हो गया और घर में जो एकत्र होने का और मिलने जुलने का है वो फीलिंग चालू हो जाती थी। तो विचार छूट जाता है, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगता है, वहां सर्व परिणाम, ये इनमें आगम की गहराई बहुत है, उसमें ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जा सकते, और मुझे तो ये पूरा भी करना था, दो दिन में होगा कि नहीं भगवान जाने। सर्व परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। सर्व परिणाम में क्या लेना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। तो श्रद्धा तो पहले से प्रवर्तित थी, लेकिन वो उसमें और प्रगाढ़ता आ गई समझ लो, और मुख्य तो ज्ञान उपयोग जो है पर से हटके स्वसन्मुख हुआ। तो दर्शन ज्ञान आदि का व नए प्रमाण आदि का भी विकल्प नष्ट हो जाता। पहले विकल्प था, मैं शुद्ध नय से एक ज्ञायक भाव स्वरूप हूं, परम शुद्ध नय से अहोचित परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष। तो पहले उसका विचार चलता था, इस नय से ऐसा हूं, इस शुद्ध नय से शुद्ध हूं, समझ में आए ना, अथवा मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, अनंत गुण है, वो सब विचार छूट गया। और एक चैतन्य 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 भी बोल रहे हैं तो वो विकल्पों में चला जाता है, लेकिन अनुभूति में चैतन्य का विकल्प नहीं रहता, स्वाद रहता। देखो, जिस चैतन्य स्वरूप का सविकल्प दशा में निश्चय किया था, दृढ़ निर्णय है, यहां निश्चय नए वाला निश्चय नहीं है, कौन सा निश्चय है, दृढ़ निर्णय स्वरूप का निश्चय किया था, उसी में व्याप्य व्यापकता रूप होकर, वाह ये भी व्याप्य व्यापक भाव है, ये अनुभूति का व्याप्य व्यापक भाव है। द्रव्य और पर्याय में तो व्याप्य व्यापक भाव प्रत्येक द्रव्य का होता है, अरे राग द्वेष में भी आत्मा व्यापक होके परिणमता है, समझ में आया, थोड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन यहां ये स्वरूप ही, ये चैतन्य ही मैं हूं, ऐसी अनुभूति उसमें समझ लो तन्मय होकर के परिणमता है, व्याप्य व्यापक होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहां ध्याता ध्येयपना दूर हो जाता है। छेदाला शायद आपको वो पंक्ति याद होगी, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहां, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की, प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत, ये तीन दृग ज्ञान व्रत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक धारा होकर, अब मैं ध्यान करता हूं, मैं ध्याय ध्येय हूं, मैं अपना ध्यान करता हूं, ये सब विकल्प जाल
पूर्व भूमिका की एक्सरसाइज है, बाद में तो एक चैतन्य का स्वाद मात्र रहता है, सब एक मेक हो गया, ऐसा बड़े नए चक्र ग्रंथ में लिखा है। ये बड़ा नए चक्र ग्रंथ कौन सा है? द्रव्य स्वभाव प्रकाशक। तच्चालेषण काले समयम बुज्जेहि ज्युतिमज्ञेण लो आराहण समये पच्चक्खो अनुभवो जम्मा। तत्व के अवलोकन यानी अन्वेषण काल में, अन्वेषण का मतलब उसमें गहराई से उसका विचार कर रहे, अस्ति से, नास्ति से, नए प्रमाण से, भेद से, अभेद से, कई तरीकों से उसका विचार करना, वो अन्वेषण काल है। खोज हो रही है आत्मा के स्वरूप की, अनुभूति में खोज कर रहे, जिनागम में तो लिखा है, लेकिन उसके आधार से खोज रहे। समय यानी शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण के द्वारा पहले जानना चाहिए। देखो, जहां जाना होता है वो जगह का स्पष्ट निर्णय पहले होता है। अब आजकल वो मोबाइल में वो एक ऐप आती है ना जीपीएस की, हैं? तो ड्राइवर लोग जो हैं वो ऐप चालू कर लेते हैं तो बताता रहता है इतने किलोमीटर पर राइट टर्न आएगा, इतने किलोमीटर पर लेफ्ट आएगा। क्या ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है। अब आपको जहां जाना है, जैसे किसी विद्यार्थी ने निर्णय किया, हमने लोगों से कहा अब एक काम करना, दसवीं के बाद आप लोग शास्त्री करना, तो कहां करना? तीन चार विद्यालय हैं, वहां कहीं भी कर लेना जहां एडमिशन मिल जाए। लेकिन कहां जाना है, वहां व्यवस्था क्या है, सुविधा क्या है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है, टीचर कैसे हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं, ये सब चीजें जान कर ही आप निर्णय करते। यहां भी आने के पहले कुछ आपने नहीं तो आपके माँ बाप ने सही, छोटे बच्चों में, सातवीं वालों में, यहां तो आठवीं से लेते ना है, तो सातवीं वाले में उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो माँ बाप डिसीजन करते हैं कि भाई यहां धर्म के संस्कार भी मिलते हैं, ख्याल में आए ना, यहां पे लौकिक पढ़ाई तो है ही, बीपीएस में भी अच्छा स्टैंडर्ड है। तो जाने के पहले निर्णय करते कि ये जगह जाने लायक है, तो नए प्रमाण द्वारा पहले जानना चाहिए। किसको? जिसमें जाना है, जिसमें अपनापन करना है, जिसमें लीन होना है, उसे जानना चाहिए। पश्चात आराधन के समय यानी अनुभव के काल में नए प्रमाण नहीं है, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विचार यानी विकल्प होते, परंतु जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तो विकल्प नहीं होता। बहुत अच्छा उदाहरण है, सरल। मैं इसके लिए शुरू से ही, जब से मैंने 143-144 गाथा पर प्रवचन करना प्रारंभ किए, तो माताएं बहनें जो साड़ी खरीदती हैं उसमें असत कल्पना, सत कल्पना और निर्विकल्प। देखो, रत्न तो अपन ने कभी खरीदे नहीं, अपन को पता नहीं क्या देखा जाता है क्या नहीं देखा जाता है। साड़ी भी नहीं खरीदी, लेकिन साड़ी खरीदने के दृश्य जरूर देखे हैं दुकानों पे। मान लो तो एक दो चार बहनें एक दुकान पे गई, बड़ा आनंद आएगा प्रोसीजर सुनने में आप लोगों को, है? तो उन्हें कहा हम एक अच्छी सी साड़ी दिखाओ, तो पहले वो पूछेगा कितने तक की दिखाएं, समझ में आया ना? तो वो रेंज बता देते हैं, अभी 2000 से लेके 5000 तक की बताएं, तो बाकी सबसे छुट्टी होगी, है? वो बिल्कुल सड़ी सी ऐसी 500 की बता देवे, जो चार दिन बाद ही बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कपड़ा वो पोंछा लगाने वाली हो गए, तो वो ऐसी नहीं चाहिए, 1000-2000 से 4-5000 तक की चाहिए। अब उसमें से बताएगा, तो अनेक प्रकार की डिजाइन, अनेक प्रकार के कलर, अनेक प्रकार का भी वो सब बताएगा। अब वो सेल्समैन इतना धैर्यशील होता है कि इतना धैर्य आत्मानुभव करने वालों को हो जाए तो जल्दी सम्यक दर्शन हो सकता है। सेल्समैन से ज्यादा और ड्राइवर से ज्यादा धैर्यशील प्राणी मुझे इस
भरत क्षेत्र में दूसरा दिखाई नहीं देता है। मैं तो ड्राइवर को जब बगल में मेरे से बोलता हूं, यार तुम लोग बहुत धैर्यवान, कुछ नहीं और जाम लगा है, खड़े हैं आराम से, धीरे धीरे चल रहे हैं। एक के वो झुंझलाता नहीं है, वो बोर नहीं होता, बैठने वाले बोर हो जाते। तो सेल्समैन ने दिखाया तो समझ लो दो चार उन्हें ज्यादा अच्छी लगी, जे एक तरफ रख दो, जे एक तरफ रख दो, बाकी सब हटा दो। समझ में आया ना? तो अभी खरीदी नहीं है, लेकिन जिसे खरीदना है उसे और अच्छी तरह देख परख करके और बाद में समझ लो वो निर्णय करना आत्मा के निर्णय करने से ज्यादा कठिन होता है। तो वो निर्णय किया कि हाँ ये खरीदना है, ये पसंद आ गई, अब बाकी सबके विकल्प टूट गए और अकेला उसी का विकल्प रहा, क्योंकि अभी खरीदी नहीं है। समझ में आया ना? और फिर बाद में कह दिया पैक कर दो और पैसे चुका दिए, तो अब उसका भी विकल्प समाप्त तो हो गया। लेकिन क्या करें, चारित्र मोह का उदय अभी बाकी है, इसलिए वो घर आके भी दो चार जन आप कैसी लग रही, कैसी लग रही। मेरे हिसाब से कोई भी चीज, चाहे मकान खरीदो, चाहे दुकान खरीदो, चाहे कपड़ा खरीदो, चाहे गहने खरीदो, खरीदने के बाद कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सबकी रुचि और सबकी पसंद तो एक से नहीं होती। अब तुम घर में ले आए और मान लो किसी दूसरे से पूछी कि कैसी लग रही है, हमें तो नहीं जची, तो तुम्हारा पहनने का मजा खत्म हो जाए। ये नंबर एक की मूर्खता है, उस दुनिया में सबसे अच्छी वो ही है, उससे अच्छी दूसरी कोई है ही नहीं, ऐसा मान के समझ लो चलना चाहिए। ये तो उदाहरण की बात, जब तक खरीदी नहीं तब तक उसके बारे में विकल्प है, और तो खरीद ली और खरीद के पहन ली तो पहनने के बाद में पहनने का ही आनंद रह जाता है, फिर कीमत का भी विकल्प नहीं आता कि 5,000 की है कि 7,000 की है कि इतने की है। साड़ियां तो कह रहे इतने हजारों की, गहने हीरे मोती के वो होते हैं, हर बार सत्तो तो लाखों के होते हैं। तो पहनने के बाद तो पहनने का आनंद है। टोडरमल जी के जमाने में वो तो जौहरी बाजार में रहते थे ना, आप जानते हैं जहां टोडरमल जी प्रवचन करते थे वो मंदिर जौहरी बाजार में है। तो ये स्वाभाविक है कि वो रत्नों का उदाहरण दे। तो ये एक टॉपिक उन्होंने लिखा, सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव कैसे होता है। तो जिस चीज का अनुभव करना होता है उसे पर से भिन्न और उसकी स्वयं की महिमा, उसका वैभव, उसका विचार करते हैं और अनुभव में क्या आनंद आता है उसकी चर्चा करते हैं। अपने को पूरे 45 मिनट लेना है कि 9:45 तक लेना है? हाँ बोल दो पूरे 45, तो अभी 7 मिनट हैं। देखो इसमें एक विशेषता है कि जैसे पैराग्राफ एक लाइन का बनाया, इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। पहले विचार करता है, विचार करते ही से आनंद तरंगे उठती हैं, फिर विचार छूट जाता है। वो विचार भी किसका, पहले स्व पर दोनों का अथवा 7 तत्वों का विचार होता है, फिर एक अकेले आत्मा का विचार होता है, फिर वो विचार तरंगे भी छूट जाती हैं और आत्मा में ही लीन हो जाता है। चलो आगे देखो थोड़ा, अब ज्ञान की क्या उस समय परिणति रहती है समझने लायक। जो ज्ञान 5 इंद्रियों व 6ठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, मति ज्ञान 5 इंद्रिय और 6ठवां मन ये था, वो ज्ञान सब ओर से सिमट कर, इसलिए मैंने कहा ये ज्ञान की निर्विकल्पता है। इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। ये विषय सरल है, ये ज्यादा कठिन नहीं है। देखो ऐसा है, अपना ज्ञान टार्च जैसा है और केवली भगवान का ज्ञान सूर्य जैसा है। सूर्य को सारी दुनिया को प्रकाशित कर देता है, उसे ऐसा नहीं कि इस झाड़ से उस झाड़ को प्रकाशित करना हो तो घूमना पड़ता हो। वो अपनी किरणें घुमाता नहीं है, सीधे पदार्थ पर पड़ती है। और अपन को ये घड़ी देखना है तो ज्ञान घड़ी की तरफ गया, पुस्तक देखना है तो ज्ञान पुस्तक की तरफ गया,
इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं गेय सन्मुख। अपना छद्मस्त्र का ज्ञान कैसे जानता है? गेयों के सन्मुख होकर के जानता है। आजकल ये अंग्रेजी भाषा में अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ता है, ख्याल में आया ना, उपयोग को उस तरफ ले जाना पड़ता है। तो ये सर्वोत्तम ज्ञान है, इसलिए एक काल में एक गेय को ही जानता है। कभी कभी ऐसा भी सुनो, सुनो ध्यान से, हम यहां इस तरफ नजर गई तो इतने सब बच्चे हमें एक साथ दिख रहे, तो एक गेय को जाना कि अनेक गेय को जाना? ये उंगलियां कितनी? दो। तो एक साथ जानी के क्रम से जानी? एक साथ जानी, एक साथ दो गेय जानने में आए ना, इसमें तो लिखा है एक गेय को जान। प्रश्न खड़ा होना चाहिए ना, है भैया एक गेयों की संख्या की बात नहीं है, एक गेय को जानता है माने संख्या वाला एक नहीं है, इंद्रियों के व्यापार वाला एक है। नेत्र इंद्रिय के व्यापार में लगेगा तो कर्ण इंद्रिय का व्यापार नहीं होगा, कर्ण इंद्रिय का व्यापार होगा तो नेत्र इंद्रिय का नहीं होगा। और बहुत तेजी से बदलता है, टीवी देखते भी हैं और जो डायलॉग बोले जा रहे हैं वो सुनते भी हैं, तो अपन को ऐसा लगता है कि देखना और सुनना एक साथ हो रहा है, परंतु वो इतनी तेजी से चेंज होता है। दूसरे अध्याय में टोडरमल जी ने कौए की पुतली का उदाहरण दिया है। आप जानते हैं कौए की आंख के छेदा तो दो होते हैं लेकिन पुतली एक ही होती है, इधर से इधर इधर, अपनी दोनों अलग अलग है, अपनी आंख की पुतलियां दोनों अलग अलग हैं, ये कुदरत का वरदान है, है? लेकिन कौआ जो है वो एक ही पुतली से दोनों तरफ देखता है, तो एक इंद्री के व्यापार में ही लगता है। क्यों, कहीं दूसरी बात भी आएगी आपको प्रवचनों में इधर उधर, ऐसे कैसे एक को जानता है? हम तो अनेक उपयोग, पहली बात तो सचिंद्र उपयोग की बात है, लब्धि की बात नहीं है। आज मेरे पास एक लब्धि का प्रश्न भी आया है, तुमसे चर्चा करूंगा, आप लोग सब मिलेंगे कभी भी, तो उपयोग में और एक इंद्री के व्यापार में, या पांच इंद्रियों और मन, छह में से किसी एक के व्यापार में लगेगा तो वो ज्ञान स्वरूप जानने में प्रवर्तित तो हुआ, यानी स्व संवेदन में ज्ञान भाषित होने लगा। जैसे दीपक की लौ जल रही है तो अपन को दीपक की लौ में लौ तो दिखती है ना, ऐसे उपयोग में अभी घड़ी दिख रही थी, अभी ग्रंथ दिखने लगा, आपको हमारे शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी उपयोग इधर उधर चला गया कि वह तीन मिनट बाकी हैं, अब कब पूरा होएगा, कि क्या विषय चल रहा है, कुछ भी सोचने लगे तो जो बोल रहे हैं वो नहीं सुन पाओगे। समझ में आया ना? तो स्वरूप को जानने, स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान ज्ञान को जानने में प्रवर्तित हुआ तो अन्य का जानना सहज ही रह गया। रह गया माने छूट गया, फिर उपयोग दूसरी तरफ नहीं गया। भले क्षण भर निज रस को ही चेतन, एक क्षण भर के लिए सही, ऐसी जब अनुभूति की दशा होती है तो ऐसी ही स्थिति बनती, क्षण मात्र के लिए एक चेतना मात्र का ग्रहण हुआ और फिर वो कभी गलती से अगर बिजली के तार पे हाथ पड़ जाए, करंट लग जाए तो कितनी देर तक रहता है? अरे वो एक सेकंड के भी सौवें भाग तक हाथ गया और एकदम से हटता है। तो जिस समय करंट का वेदन हुआ उस समय दूसरी किसी भी चीज की तरह उपयोग नहीं जाता। ऐसे जिस समय आत्मा की चैतन्य की अनुभूति का वेदन हुआ उस समय पर देव शास्त्र गुरु जिनवाणी किसी तरह उपयोग नहीं जाता है। वहां ऐसी दशा हो जाती है कि बाह्य अनेक शब्द आदि विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं रहती। सुनो भैया, अगर अपन अपने किसी पढ़ाई में या किसी दूसरी चीज में तल्लीन हो गए तो बारात निकल जा रहे हैं और बाजे बज रहे हैं ड्राम, तो भी अपने को पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? उपयोग उस तरफ नहीं था,
इसलिए पता नहीं चला। कभी कभी क्या होता है, लोग बाग में सिर्फ ट्रेन अभी आने में 10 मिनट है, तो आजकल तो वो बीमारी हर एक के पास है, वो मोबाइल निकाला और मैसेज देखने लगे कि चैटिंग करने लगे कि समाचार देखने लगे, कुछ भी करने लगे। अब उपयोग चला गया मोबाइल में, अब क्या हुआ, ट्रेन आई हो गई तो पता चला बात, अरे यार वो तो निकल गई। या कभी कभी जो है बिल्कुल आके ही खड़ी हुई, यानी उपयोग उससे हटेगा तब पता चलेगा। तो स्वरूप ध्यान में बाहर का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब इसके बारे में और भी कई बातें हैं, पता तो चल जाता है लेकिन राग द्वेष नहीं होते। देखो सुनो, वो तो 1 सेकंड से भी कम समय का है ना, तो उस समय पता नहीं चलता है, और छठवें गुण स्थान में आया तो पता चल जाता है, सातवें में नहीं चलता है, छठवें में चल जाता है, लेकिन दुख नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होते। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ और नयादि के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ये 144वीं गाथा की टीका में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों के आत्म सन्मुख होने की चर्चा है। उस आधार पर इसमें तो नीचे फुटनोट लिखा है कि श्रुत ज्ञान वाली पंक्ति हस्तलिखित प्रतियों में नहीं है, लेकिन पूर्व प्रकाशित प्रतियों में है। और हस्तलिखित में नहीं तो भी लोगों ने, जो भी संपादक होंगे पहले के, दादा ने अपनी तरफ से एक लाइन भी जोड़ी नहीं, उनने केवल हेडिंग बनाए और पैराग्राफ तोड़े। तो बात तो सही है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों स्वरूप सन्मुख होते हैं। अभी एक विवाद चलने लगा, नहीं नहीं अनुभव मति ज्ञान में होता है, श्रुत ज्ञान में नहीं होता है। बहुत चर्चा करते हैं आपस में हम लोग, दोनों लिखे ना आत्मसन्मुख, दोनों एक साथ तो होते नहीं, मति और श्रुत दोनों का उपयोग एक साथ नहीं होता ना। तो प्रारंभ में मति ज्ञान उपयोग सन्मुख होता, फिर श्रुत ज्ञान होता है। टोडर मल जी ने खुद लिखा, ऐसा वर्णन समय सार की आत्मख्याति टीका व आत्मावलोकन आदि में है। फिर ये निर्विकल्प अनुभूति के बारे में, ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, इस विषय की और चर्चा इसमें आई है, वो अपन कल के स्वाध्याय में करेंगे, अभी यही विराम लेते हैं।